हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। इससे पहले हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है। इन जनरल एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। इट मींस प्रोडक्ट ऑफ बेस इनटू हाइट, प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। अब देखिए, मैं राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है हाइट और ये है बेस। अब देखिए, हाइट और बेस ज्वाइन करने से हमें 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है, करेक्ट। और ये बन गए उसकी हाइपोटेनस। इन दिस में हमें मिल गया राइट एंगल ट्रायंगल। सो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा है बेस इनटू हाइट, इट मींस प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। सो इसी को हम लिख सकते हैं। अब देखिए फिगर में, बेस और हाइट ज्वाइन करने से 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेस इनटू हाइट की जगह पे प्रोडक्ट ऑफ साइड्स दैट फॉर्मिंग राइट एंगल, करेक्ट। सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स दैट फॉर्मिंग राइट एंगल, दैट फॉर्मिंग 90 डिग्री एंगल। सो इसी को बोलना है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, करेक्ट। समझ में आपको एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या बनेगा? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल, ओके। देखिए सेम है, जस्ट लिखने में वर्ड में अलग है, ओके। सो लेट्स सी वन एग्जांपल, देखते इसी फॉर्मूले पे डिपेंड। इफ साइड्स दैट फॉर्मिंग राइट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए दोनों साइड्स गिवन है, कौन से? दैट फॉर्मिंग राइट एंगल, इट मींस हाइट और बेस हो गया। यहाँ पे कितने उनकी लेंथ? 3.5 एंड 4.2 सेंटीमीटर। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू, अब देखिए बेस इनटू हाइट की जगह पे हमें क्या लिखना है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ साइड्स दैट फॉर्मिंग राइट एंगल, ओके। सो लेट्स सी, पुट कर लेते हैं वैल्यूज। हमें वैल्यूज गिवन है, हाफ एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, कौन सी साइड? 3.5 इंटू 4.2 इन सेंटीमीटर। अब देखिए इन दोनों का करना है हमें मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 35 इंटू 42 कर लेते हैं, देन डेसिमल पॉइंट का हम कंसिडर कर लेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे 42 इंटू 35। सो मल्टीप्लीकेशन देखिए अच्छे से, 5 इंटू 2 10 होता है, 10 के लिए 0 कैरी 1, 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 1 21 इन दिस वे। देन हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो 0 के नीचे प्लस का साइन दे देते हैं। देन 3 इंटू 2 6, देखिए अच्छे से मैं जो बोल रहा हूँ आपके सामने है, 3 इंटू 4 12, सो 12 लिख दिया। अब इन दोनों का करना है हमें एडिशन। सो 0 एज इट इज, 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 2 4 1 एज इट इज। इन दिस वे हमें कितना मिला? 1470। लेकिन अबे क्या करना है हमें, ये देखिए एक्चुअली में नंबर हमारे पास है डेसिमल, इट मीन्स 3.5 एंड 4.2, इट मीन्स दो डिजिट के बाद हमें डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा इन मल्टीप्लीकेशन, मीन्स हमें क्या मिलेगा? 14.70। समझ में आ रहा है? सो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हाफ इंटू 14.70। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों नंबर में एक डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट है, ओके। आई होप आपको समझ में आए। देन अबे हमें क्या करना है, ये जो 14.70 है इसको हाफ करना है, मीन्स 2 से डिवाइड। तो देखिए 2 वंस आर 2, 2 सेवंस आर 40। अब देखिए 70 है यहाँ पे, सो 70 का हाफ कितना होता है? 35। इन दिस वे 7.35 हमें मिल गया। सो ए क्या मिला हमें? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एरिया है तो इसको हम स्क्वेयर सेंटीमीटर में लिखें। सो लास्ट में हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7.35 स्क्वेयर सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेट्स सी क्वेश्चन, ओके। देखिए इफ बेस ऑफ ट्राइंगल इज 5.6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4.5 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज इट्स एरिया? इट मींस डायरेक्ट हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, सो हम डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा वाला? लेट सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू
हाइट, करेक्ट। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, मल्टीप्लीकेशन करना है, डिवाइड करना है और आंसर बता देना। ये आपके लिए होमवर्क। अभी मेरे को इसका आंसर बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, नहीं तो पर्सनली पूरा डिटेल लिख के शेयर कर दीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर समझ में आ रहा है ये तो लाइक भूलना मत, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।